रुपोली विधानसभा चुनाव आपको बता दें कि बिहार के रुपोली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह ने जीत दर्ज की है बहरहाल आपको बता दें कि पूर्णिया लोकसभा चुनाव में भी त्रिकोणीय मुकाबला था जहां एनडीए के जदयू के यानी कि एनडीए और जदयू गठबंधन के उम्मीदवार थे जहां संतोष कुशवाहा तो वहीं आपको बता दें कि राजद लांडन छाप से उम्मीदवार बनी थी बीमा भारती बहरहाल आपको बता दें कि इन सब के बीच पप्पू यादव ने खूब जोर आजमाइश की कांग्रेस में अपने जन अधिकार पार्टी का विलय भी किया और जाकर उनमें सम्मिलित होकर उन्होंने इस उम्मीद से कि कांग्रेस उन्हें टिकट देगी लेकिन टिकट नहीं मिला अलाकमान ने आखिरकार लालू यादव के आगे घुटने टेक दिए और परिणाम यह हुआ कि पप्पू यादव को निर्दलीय लड़ना पड़ा पूर्णिया से उनका वादा था उन्होंने कहा पूर्णिया के लिए जान दे दूंगा लेकिन वादा खिलाफी नहीं करूँगा आपको बता दें कि पप्पू यादव का जन्मभूमि मधेपुरा है लेकिन कर्मभूमि पूर्णिया है मधेपुरा ने भले ही नकार दिया हो लेकिन पूर्णिया ने उन्हें गले लगाया है और इस नाते पप्पू यादव का भी फर्ज बनता था कि इस कर्म भूमि पर वो अपना जीवन न्यौछावर करे और उन्होंने किया भी आपको बता दें कि निर्दलीय होकर उन्होंने तमाम दलीय पार्टी को परास्त कर जीत दर्ज की और खूब बोले जमकर बोले संसद में बोले सड़कों तक भी बोले संसद से सड़क तक उन्होंने खूब बोला काम करने का वादा किया और आज भी वो कह रहे हैं उनका जीवन समर्पित है जनता के लिए अब दूसरा समीकरण समझिए रुपौली विधानसभा चुनाव उन्होंने खूब अपील की हाथ जोड़कर अपील की जनता ने नकार दिया पप्पू यादव की अपील और जनता ने नकार दिया वजह साफ है साहब रुपौली में गंभीर समस्याएं हैं कई समस्याएं हैं और इन्हीं समस्याओं से परेशान होकर जनता ने नकार दिया बीमा भारती का एक वीडियो वायरल हुआ था हम यहां वो वीडियो नहीं दिखा रहे लेकिन आपको बता रहे हैं कि उस वीडियो में बीमा भारती आम जनता से अपील कर रही है और आम जनता उन्हें वोट न देने की बात कह रहे हैं जरा समझिए सत्ताधारी पार्टी हो या बीमा भारती हो जो कई बार से जीत दर्ज कर रही थी तीर छाप पर गांव देहात के लोग बस तीर छाप पर वोट देकर बीमा भारती को जिता रहे थे लेकिन बीमा भारती से भी उनका मोह भंग हो गया बीमा भारती ने विधानसभा चुनाव में उन्हें त्याग करके लोकसभा चुनाव में लड़ने गई थी तीसरे नंबर पर रही और विधानसभा चुनाव में भी तीसरे नंबर पे ही रही और वोटों की संख्या अगर हम कहें मत प्रतिशत की बात करें तो वो भी तीसरे नंबर जैसे ही है कहीं ना कहीं चुप कर गई बीमा भारती अब इन सब के बीच में लालू प्रसाद यादव राजद के उम्मीदवार की जो हार हुई है उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं नीतीश के कलाधर मंडल भी हार गए तब भी सवाल खड़े हुए और पप्पू यादव की अपील सबसे बड़ा मायने रखता है कि वो भी यहां खराब हो गया खत्म हो गया कोई मायने नहीं रखा जीत दर्ज किया शंकर सिंह ने शंकर सिंह स्थानीय नेता है वो और उनकी पत्नी निरंतर जनता के बीच जाते रहे आंचल फैलाकर भीख मांगते रहे और उन्हें उनका शबक भी मिला लोगों ने उन पर भरोसा किया है जीत दर्ज कराकर उन्हें लोकसभा में भले ही कुछ महीनों के लिए ही सही भेज दिया है अब शंकर सिंह रुपौली लोकसभा में बेहतरीन काम कर अपने आर्ट वर्क से यानी अपने वर्क से यह साबित करेंगे कि वो जनता के भरोसे के लायक हैं जनता ने अगर उन्हें वोट देकर जिताया है तो जनता भी उनके साथ है और इस विश्वास को लेकर शंकर सिंह भी यह जताएंगे कि हम भी उनके साथ हैं और शंकर सिंह ने जीत दर्ज करने के बाद तुरंत कहा कि मैं जनता के साथ हूं जनता मेरा भगवान है और मैं उसके साथ हूं तो जनता अगर उनका भगवान है तो निश्चित रूप से शंकर सिंह को यह खूब अच्छी तरह पता है यह चंद महीनों के लिए विधानसभा की सीट उन्हें मिली है अगर पांच साल की सीट चाहिए तो अगले साल जब चुनाव होगी तो उन्हें मैदान में फिर से उतरना पड़ेगा संघर्ष करना पड़ेगा और यह जो चार पांच छह आठ महीने का वक्त मिला है यही तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस अपॉर्चुनिटी का वो सही फायदा उठाएंगे जनता के बीच रहेंगे जनता की सुनेंगे जनता की सेवा करेंगे जनता इसका लाभ उन्हें 2025 के लोकसभा चुनाव में उन्हें देगी अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार होता क्या है किस तरह जनता का भरोसा जीत पाते हैं शंकर सिंह किस तरह पप्पू यादव अपने वर्चस्व को कायम रख पाते हैं किस तरह बीमा भारती अपनी भूल से सुधार करते हैं सवाल अनेक है जवाब ढूंढना भविष्य के गर्भ में है बस बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साहब आपने अगर पहले किया है उसे भूल जाइए नया सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि चैनल बदल गया है अब आपके विश्वास पे खड़ा उतरने की हमारी हर संभव कोशिश होती है क्योंकि हम करते हैं देश की बात सच के साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटो हमें भेज दें और हमसे जुड़ें हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए हमारा नंबर है एट एट टू सिक्स टू टू सेवन एट जीरो टू